नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ईट पेपर लीक मामले में लिप्त विधायक बेदीराम का एनएसयूआई के छात्रों ने फूंका पुतला। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण सहित किए विविध कार्यक्रम। माँ कामाख्या देवी मंदिर में पूजित लाल वस्त्र का प्रसाद स्वरूप भक्तों में हुआ वितरण। और पीएमओ कार्यालय में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की जन सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। एनएसयूआई के छात्रों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य द्वार पर विधायक बेदीराम का पुतला दहन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले का विरोध जताया और आरोपी विधायक बेदीराम का पुतला दहन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने किए जाने की मांग भी की। इकाई अध्यक्ष गौतम शर्मा ने कहा कि नीट पेपर में भाजपा का पूरी तरीके से घोटाला है। बेदीराम का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह यह कह रहे थे कि वह किसी भी विभाग का कोई भी पेपर वह लीक करवा सकते हैं। इस तरह के भ्रष्ट विधायक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द कर देना चाहिए। छात्रों ने कहा कि यदि सरकार अभी कार्रवाई नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष गौतम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, निखिल मिश्रा, गौरव पटेल, जतिन पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। आप लोगों ने पुतला जलाया है, किसका पुतला जलाया है? आज हम लोगों ने बेदीराम का पुतला जलाया है। नीट पेपर पूरी तरीके से वो घोटाला है भाजपा का और वो पूरी तरीके से पेपर लीक है। और आपने एक वीडियो वायरल हुआ होगा बेदीराम का, उसमें देखा होगा उन्होंने, उसने कहा था कि मैं किसी भी विभाग का, किसी भी संस्था का, किसी भी तरीके का वो पेपर मैं लीक करा सकता हूँ। तो मैंने वो साफ साफ इसमें वो मिला हुआ है। और मैं ये बेदीराम का पुतला इसलिए फूंका हूँ, सरकार से वो ये मांग करता हूँ कि बेदीराम की सदस्यता रद्द किया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आगे आप लोग इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से करेंगे अगर इन चीज़ों को अभी तक रोक नहीं लगाई जाती? आज हमने बेदीराम का पुतला फूंक के विरोध दर्ज किया है। अगर सरकार इसके पे आगे एक्शन नहीं लेती तो इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण सहित विविध कार्यक्रम किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिवस लहुराबेर स्थित आज़ाद पार्क में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण करके मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से देश में प्रदूषण फैल रहा है उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है। इन्हीं सबको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया कि मुखिया के जन्मदिवस पर पेड़ लगाया जाए। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोग पेड़ लगाने में लगे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक किया कि आने वाले समय में बुरे दिन ना देखना पड़े। इसलिए देश और शहर हरा भरा हो तभी देश का विकास होगा। कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे के साथ पेड़ लगाए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, शुभम सेठ, राहुल गुप्ता, अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट कहे जाने वाले और पीडीए के रक्षक परम आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आज 52वां जन्मदिन हम लोग आज बहुत ही हर्षोल्लास के बीच पूरे नगर में हम लोगों ने मनाने का काम किया। आज लहुराबेर स्थित आजाद पार्क में हमारे कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य श्री शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में और तमाम समाजवादी साथी, यूजन सभा के महानगर के अध्यक्ष राहुल गुप्ता, प्रभाकर यादव
तमाम समाजवादी साथियों के साथ आज हम लोगों ने 52वां जन्म दिवस के पावन अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण करने का काम किया और वृक्षारोपण के तहत हम लोगों ने आम, पीपल, नीम इत्यादि हम लोग पेड़ लगाकर आने वाले समय में जो वर्तमान सरकार पर्यावरण को विलुप्त करना चाह रही है, लगातार समाजवादी साथी आज हम लोग पूरे नगर में विभिन्न इलाकों में हवन पूजन के साथ, केक काटने के साथ और भारी संख्या में वृक्षारोपण करके हम लोगों ने अपने जो है नेता माननीय श्री अखिलेश यादव का हम लोग हर्षोल्लास के बीच जन्मदिन मनाने का काम किए। राहुल जी आज क्या कर रहे हैं? आज का दिन हम समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्म हुआ था और आज के दिन हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, जो आज हम लोग बनारस में लौराबीर आजाद पार्क में किया गया है। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? देखिए, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज और समाज के साथ साथ जो यहाँ की प्रदूषित वायु हवा में घुल चुकी है, हम लोग पेड़ लगाकर उस वायु को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे लोगों को, हम लोगों को एक अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, जो आपदा के समय भी एक काम हो रहे हो, अन्य काम आ सके। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 51 छात्रों द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र सिंह पटेल मौजूद रहे। इस दौरान शशांक यादव, अमित मौर्य, अनिल यादव, अर्पित, धीरज, आशुतोष यादव आदि छात्र मौजूद रहे। दरअसल सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है, जो करोड़ों युवाओं, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ है। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण पे तमाम छात्रों छात्राओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्तदान शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है उसका हम लोग नाम रखे हैं, संविधान बचाने के लिए रक्तदान। इसीलिए आज हम लोग संविधान लेके ये रक्तदान का आयोजन किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरे देश में आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संविधान के ऊपर ही खतरा उत्पन्न हो गया है। और आज पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ पूरा देश जो है उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नतीजा आया, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाला समय अखिलेश यादव जी का ही है और आने वाले भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी ही हैं। तो इस अवसर पे आज तमाम युवाओं के द्वारा 51वें जन्मदिवस के अवसर पे 51 रक्तदान किया जा रहा है और परमेश्वर महादेव से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लंबी उम्र प्रदान करें और जिस प्रकार वो युवाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ सदन में उठा रहे हैं, इसी प्रकार वो आवाज़ सदन में उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। हम लोग 51वां अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिवस है। हमारा टारगेट है कि कम से कम 51 हो, उससे अधिक से अधिक जितना हो जाए, जितना अधिक से अधिक, कम से कम 100 है, जितना अधिक से अधिक हो जाए उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अभी तक 40 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है, अभी लगातार ब्लड डोनेशन चल रहा है। इसी कड़ी में जागेश्वर महादेव मंदिर में सपा कार्यकर्ताओं ने पूजन पाठ करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यकर्ताओं ने पूजन अर्चन किया और जागेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक किया। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की। जी संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, वाराणसी। संदीप जी, आज जन्मदिन के अवसर पर
क्या मांगा है, आप लोगों ने क्या कामना की है? आज हम लोगों ने काशी जैसे पतित पावन धरती पे माँ गंगा की याचल में जागेश्वर महादेव मंदिर के अंदर बटुक ब्राह्मणों के साथ उनके ब्रह्माणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लंबी उम्र की कामना के लिए हम लोगों ने यहाँ मंत्रोपचार के साथ बाबा जागेश्वर महादेव से प्रार्थना की कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, और साथ ही हम लोग गरीबों, छात्रों, नौजवानों, किसानों, बुनकरों की आवाज़ जो सदन में जाकर उठावें और उनकी रक्षा कर सके, और असामाजिक जो असामाजिकता फैली है उसको दूर करके एक अच्छी हिंदुस्तान का स्थापना करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। माँ कामाख्या देवी मंदिर में पूजित लाल वस्त्र का प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरण हुआ। कमच्छा स्थित श्री कामाख्या देवी मंदिर में वार्षिक 3 दिवसीय श्री अंबुवाची महोत्सव के अंतर्गत भक्तों में पूजित लाल वस्त्र का वितरण किया गया। बता दें कि यह मेला उस समय लगता है जब माँ कामाख्या देवी रजस्वला रहती हैं। अंबुवाची योग पर्व के दौरान माँ कामाख्या देवी के गर्भगृह में स्थित श्री महामुद्रा यंत्र पर वस्त्र रख कर कपाट बंद कर दिए जाते हैं एवं उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। इसके 3 दिन के उपरांत रजस्वला समाप्ति पर विशेष पूजन, औषधि, पंचामृत से अभिषेक करते हुए माँ का श्रृंगार किया जाता है, और इसके बाद यंत्र पर पूजित लाल वस्त्र भक्तों में वितरित किया जाता है। इस प्रसाद को लेने के लिए काफ़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने माता का पूजन अर्चन किया और उनमें प्रसाद स्वरूप वस्त्र का वितरण हुआ। आज हमारे मंदिर में जो बनारस में स्थित है उसमें 22 जून शनिवार से जो श्री अंबुवाची योग पर महोत्सव शुरू हुआ था एवं 25 जून मंगलवार को जिसका समापन हुआ, 4 दिन तक माता जी के पट बंद रहे। इस 4 दिवस तक माता जी के रजस्वला प्रक्रिया होती है। इस बीच माता जी के श्री महामुद्रा यंत्र पर वस्त्र रखे गए थे और वस्त्र रखकर माता जी के गर्भगृह के पट बंद कर दिए गए थे। 25 जून को माता जी के पट आद्रा नक्षत्र खत्म होने के बाद पुनः खोले गए एवं श्री महामुद्रा यंत्र का अभिषेक एवं श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन कराए गए। आज माता जी के उसी पूजित लाल वस्त्र का वितरण भक्तों में किया जा रहा है। ये वस्त्र जो है ये तंत्र विद्या में या किसी की जैसे विवाह नहीं हो रहा हो, कोई बीमार हो, किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो या किसी भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, उसमें ये उपयोगी होता है। इस वस्त्र को चांदी के यंत्र में काले धागे में बांधकर मंगलवार या शुक्रवार को पहना जाता है जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पीएमओ कार्यालय में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जन सुनवाई की। गुरुधाम स्थित पीएमओ कार्यालय में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें जनता की जो समस्या है उसके निवारण के लिए राज्य मंत्री ने सबकी बात सुनी। बसंत पट्टी गंगापुर के रहने वाले मनोज कुमार ने बताया कि हमारा मकान गैस लीकेज के कारण जल गया, जिससे कि हमें रहने में असुविधा हो रही है और हम सांसद कोटे से 10 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि अभी सांसद कोटे में पैसा खत्म हो गया है, आप या तो अक्टूबर में आए या फिर मार्च में। वहीं मनोज कुमार का कहना है कि सांसद कोटे में लगभग 5 करोड़ रुपए आते हैं, क्या इतनी जल्दी यह पैसा खत्म हो जाता है और अब हम किसके पास अपनी सुनवाई करने के लिए जाएं? आप ये जन सुनवाई यहाँ बैठक सर में सर मेरा घर जल गया है, मैं यहाँ पर कुछ सांसद कोटे से राहत के लिए आया था, लेटर दिया, पर ये लोग मतलब बोल रहे हैं कि सांसद निधि खत्म हो गई, मतलब सांसद कोटे में धन नहीं है और ये लोग देना नहीं चाहते हैं। कैसे घर जल गया सर जी? गैस लीकेज होने से मेरा घर जल गया सर जी, सब कुछ जलकर। यहाँ पर बैठा है किससे आपने ये बात? सर एक मंत्री बैठे हैं और एक पाठक सर है, वो मंत्री जी पाठक सर से बोले कि मिलकर जाइए, पाठक सर बोल रहे हैं कि वो आपका मतलब संसद निधि में धन नहीं है, अक्टूबर में आएगा तो अक्टूबर में आइएगा या फिर मार्च में आएगा तो मार्च में आइएगा। तब तक आप लोग कहाँ रहेंगे सर जी? यही तो सर कई बार प्रश्न कर रहे हैं लेकिन सर बोल रहे हैं आप चले जाइए। तो आप इनके आश्वासन से खुश हैं या फिर ना? सर बिल्कुल नाराज हैं, सांसद कोटी में सर जी इतना पैसा आता है, 5 करोड़ या 10 करोड़ तक आता है, तो इतना जल्दी इन लोग खर्च नहीं कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं सर? हम लोग हम अपना 10 लाख रुपए की मांग करते हैं, जो हमारा घर जल गया है सर जी उसका भरपाई कर दें सर जी। ठीक है सर जी। नीट पेपर में हुई गड़बड़ी को लेकर नेशनल इक्वल पार्टी ने विधायक बेदीराम का पुतला फूंका।
नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में सुबह सपा विधायक बेदीराम के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक बेदीराम का पुतला फूंका। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए और पुतला दहन करते हुए बेदीराम की गिरफ्तारी की मांग की। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने विधायक बेदीराम को ओम प्रकाश राजभर का फाइनेंसर बताया। उन्होंने कहा कि बेदीराम ही ओपी राजभर के कार्यक्रम को मैनेज करता है। पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बेदीराम ही है और अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। सुभाषपा विधायक जहूराबाद के विधायक हैं बेदीराम, उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक में उनका हाथ है और अभी तक सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है और उनके सरगना ओम प्रकाश राजभर जी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बच्चों के भविष्य के लिए आज हम जिलाधिकारी जी को पत्रक देने आए हैं कि ये पत्रक मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या रीज़न है कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का लगना चाहिए। पुतला फूंकने की क्या बड़ी वजह रही कि मतलब आज आप लोग को उनका पुतला फूंकना पड़ा? इसकी वजह यही है कि आज एक हफ्ते से ये न्यूज़ चल रहा है कि पेपर लीक में उनका हाथ है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज तो हम लोग अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए हैं, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम अपने पूरे यूथ पूरे बच्चों के साथ ऐसे ही धरना देंगे और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम लोग इसी तरह सड़क पे रहेंगे। क्या सहयोगी दल के साथ जो है यहाँ पे जुड़ाव है इनका बीजेपी के साथ, क्या लगता है कि सत्ता का उनको संरक्षण प्राप्त? बिल्कुल है, अगर नहीं होता तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है। बाबा जी क्यों नहीं इनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों नहीं इनके बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है कि ये बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं। आप हमारे आपके सबके बच्चे ये हो सकते हैं ना, किसी एक बच्चे के बारे में मत सोचिए, यहाँ हमारा भी बच्चा हो सकता है, आपका भी बच्चा हो सकता है, सबका बच्चा हो सकता है। तो हमें सरकार हमें ये बताए कि क्या रीजन है कि वो अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की है। देखिए बेदीराम और ओम प्रकाश राजभर के वो पूरा का पूरा सहयोग सरकार का मिल रहा है। क्लियर कट एक नेशनल चैनल पर जब बेदीराम इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं अंदर से नौकरी लगवा देता हूं, एक साथ 50-50 लोगों की नौकरी लगवा देता हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, और पेपर लीक में उनका नाम आया नेशनल न्यूज़ के माध्यम से, तो उसके बावजूद भी वो आदमी डंके की चोट पर कल परसों बयान दिया कि मुझे मेरी जाँच करके दिखाई जाए, जबकि 2014 से उसके ऊपर चल रहा है जाँच, हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है उसको। उसके बाद भी अगर प्रशासन या सरकार उसको गिरफ्तार करके जांच नहीं कर रही है तो सीधे सीधे है कि सरकार का कहीं ना कहीं इसको सहयोग मिल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी के कैबिनेट मंत्री होने का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो पेपर लीक का मामला है, या सरकार ही लीक सरकार हो गई है, लीक पार्टी मान लीजिए या लीक सरकार मान लीजिए, इनके कार्यकाल में अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है हमको नहीं लगता है कोई ऐसा पेपर होगा जो लीक हुआ है और कोई ऐसी वैकेंसी जो नहीं होगी जो कोर्ट में ना गया हो। लेकिन जो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, यह सबसे महंगा एग्ज़ाम होता है जिसकी तैयारी के लिए बच्चे कई साल मेहनत करते हैं, कई करोड़ रुपये उनके गार्जियन खर्चा करते हैं, ज़मीन बेच के गहना बेच के ब्याज लेकर या जैसे भी ब्याज पर पैसा लेकर या जैसे भी। अब इन लोगों का फेल वाले को पास कराना और पास वाले को फेल कराने इसका मतलब ये है कि लड़के आत्मदाह की ओर जाएंगे। तो और सरकार ने अभी 4-5 दिन पहले कानून बनाया है कि जो भी पेपर लीक मामले में पकड़ा जाएगा उसको आजीवन कारावास होगा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि जब आपको ऑथेंटिक सबूत सब न्यूज़ के द्वारा मिल गया है तो आप लोगों को तुरंत कार्रवाई करके जांच करना चाहिए ना, या तो फिर कह दीजिए कि समाचार चैनल न्यूज़ चैनल जितने भी हैं नेशनल इंटरनेशनल यूट्यूबर सब बेकार हैं, इनका कोई मान नहीं है, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि चलो भाई सब बेकार है तो हम लोग धरना प्रदर्शन या इस तरह का कार्यक्रम करना बंद कर देंगे। लेकिन यह इससे साबित होता है कि सरकार का प्रश्रय है उसको और सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है और हम लोग बचने नहीं देंगे। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि यह गिरफ्तार हो, कि जांच होनी चाहिए और ओम प्रकाश राजभर जी को बाहर आके बोलना चाहिए कि हमारा विधायक गलती किया है तो उसको पकड़ के जांच किया जाए, जांच में सही होगा तो छोड़ दिया जाए, गलत होगा तो उसको सजा दिया जाए। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंका थाने में नए भारत के नए कानून पर चर्चा की गई। लंका थाना में नए भारत के नए कानून की चर्चा की गई, जिसमें DCP जोन काशी प्रमोद कुमार ने क्षेत्र के पार्षद एवं वकील के मौजूदगी में नए भारत के नए कानून की जानकारी विस्तार पूर्वक जनता को दी। बता दें कि 1 जुलाई से लागू हुए 3 कानून कई मायने में जनता को सहूलियत पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा फायदा FIR को लेकर होगा। इस कानून के तहत मुकदमा वापस लेना भी आसान हो जाएगा। वीडियो और फोटो को नए कानून में जगह नहीं दी जाएगी। देखिए सर्वप्रथम पहले तो ये सभी लोग जान लीजिए, ये जो कानून आई है, अब तक जो जिस कानून के अधीन हमारा देश संचालित होता था वह अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई सन 1860 की कानून थी, जिसको कि अभी तक कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन वो गुलामी की मानसिकता वाली कानून पे ही हम अपने आप को जीते थे। लेकिन यह पहली बार है और हम सभी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र कानून के अंदर स्वतंत्रता से जीने का एक माध्यम प्रशस्त हुआ है, जो सन 2023 में भारत सरकार द्वारा ये कानून लाया गया और आज 1 जुलाई सन 2024 को आम जनमानस के लिए ये कानून लागू कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें निर्दोष लोगों को भी पहले जो है पहले के कानूनों में उनको सजाएं हो जाया करती थी, अब इस कानून में उन सभी छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुधार किया गया है और भारतीय न्याय संहिता का कानून लागू हुआ है। इसमें कई सारे ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे डिजिटल का, अब तक जो था डिजिटल का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होती थी हमारे कानून में, अब क्या है हम अब ये कोई भी पीड़िता अपने डिजिटल एविडेंस को इस कानून के अंतर्गत वह रख सकता है। यही नहीं, अब हम देश के या प्रदेश के या जिले के किसी भी थाने और कोने में हों, जहाँ पे अभी तक एक क्षेत्रीय विवाद बना रहता था, उस विवाद को ख़त्म करके आप कहीं से भी अपना FIR कर सकते हैं, करा सकते हैं। यही नहीं, अब सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने FIR को अपने नज़दीकी थाना पे FIR करके उसकी प्रति अगले दिन ले सकते हैं। ये तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो अब हमारे देश के आम जनमानस के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। भजनों की धुन के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय कुलपति तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति एवं शारदा समाज सेवा फाउंडेशन की ओर से कमच्छा स्थित नाई बाग में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय कुलपति तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर कुलपति तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भजन गायक पुनीत द्वारा कई भजनों की प्रस्तुति की गई। उन्होंने कहा कि कुलपति तिवारी भजन सुनने के बेहद शौकीन थे। आज हम सब उन्हें नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरु के चरणों में ही स्वर्ग है। आज हम लोगों को उनकी कमी खल रही है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें याद किया। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ओमनाथ शर्मा, कमलेश पांडे, विष्णु शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज सभी काशी विश्वनाथ डमरू दल के सभी सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। बनास में जितने भी डमरू वादन वाले सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज क्या है, आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम सभी यहाँ पे डमरू वाले इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप सभी को पता होगा काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर श्री कुलपति तिवारी जी का निधन हो गया था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनारस में जितने भी डमरू वादक हैं वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और डमरू के माध्यम से और सभी लोग शांति के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर के कुलपति जी जो महंत थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या था खास विशेषता थी, क्या ये काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे अभूतपूर्व महंत थे डॉक्टर कुलपति तिवारी जी। हम लोग ने बचपन से उनका सानिध्य किया, हमारे गुरुदेव थे वो, उनके बताए हुए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं और हमारे काशी विश्वनाथ डमरू दल के सबसे प्रथम सदस्य भी वही थे जिन्होंने प्रेरणा स्त्रोत्र बने डमरू दल के लिए। मसान की होली के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, जो बाबा विश्वनाथ की मसान बाबा की बारात निकलती उसकी भी प्रेरणा उन्होंने दी थी। हमारे मोनू बाबा है, कमलेश भैया है, तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए, संगीत समारोह भी किए उनके माध्यम से, जो उनको भजन वो कोई भी खुशी के कार्यक्रम में भजन कीर्तन कराते रहे तो उनको जो पसंद था वो भजन हम लोग ने उनको सुना करके अर्पण किया है
और आज यहाँ पे उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का BHU में स्वागत हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र विवेक सिंह द्वारा बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे को आमंत्रित किया गया। काशी की पावन धरा पर बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का आगमन हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मालवीय भवन का भ्रमण किया एवं परिसर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन व पूजन भी किया। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि हमारा महामना की बगिया में पुराना लगाव है और मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और मैं मालवीय जी को शत शत नमन करता हूँ। देखिए, बनारस तो मेरा हमेशा आना जाना रहता है। बक्सर का हूँ तो बनारस हमसे दूर नहीं है, बचपन से आता रहा हूँ। BHU के परिसर में भी पहली बार नया हूँ, बहुत पहले से आता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत विस्तार से जानने सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ आदरणीय मालवीय जी रहा करते थे, जहाँ साधना किया करते थे, जहाँ लोगों से मिला करते थे, और मैं इस बात से स्तब्ध हूँ कि एक आदमी के पवित्र सत्य संकल्प ने क्या चमत्कार किया कि आज ये लगभग 1,500 एकड़ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनकर के खड़ा है। मैंने सुना इसका दूसरा कैंपस भी 2700 एकड़ में अभी तैयार हो रहा है, लेकिन एक आदमी की संकल्प शक्ति इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो सकता है जहां आज देश के कोने कोने से लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कई हजार जहां शिक्षक हैं, सेंट्रल हिंदू, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मानवता की, समाज की और राष्ट्र की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। तो संकल्प अगर पवित्र हो, इरादा अगर पवित्र हो, नेक हो, तो प्रकृति भी उस संकल्प को पूरा करने में सहयोग करता है। तो मैं अपने तमाम ये बच्चे जो हैं, क्या नाम बाबू, विवेक और इनके जितने साथी हैं, सब लोगों के प्रयास से आज मुझे आने का ये अवसर हुआ और विस्तार से मैंने आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। तो ये हमारी धरोहर है और ये सबके लिए है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हर जात, हर कौम, हर वर्ग के लोगों के लिए है, कोई पढ़ाई में भेदभाव नहीं है। तो ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है। तो हमारा एक एक नौजवान, भारत का एक एक बेटा ऐसा ही मालवीय जी की तरह दृढ़ संकल्प वाला, ईमानदार चरित्र वाला बने, तो एक एक नौजवान के संकल्प से भारत और समृद्ध होगा और एक विश्व गुरु बनेगा। माँ विंध्यवासिनी क्लब का वर्ष 2024 का चुनाव संपन्न हुआ। काशीपुरा स्थित मनोहर भवन के सभागार में माँ विंध्यवासिनी क्लब के 2024 के लिए नए पदाधिकारियों का चुनाव कराया गया, जिसमें चुनाव के माध्यम से मुन्ना कसेरा को वर्ष 2024 के चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। मुन्ना कसेरा इस क्लब की तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। नव निर्वाचित पदाधिकारियों में महामंत्री रमेश कसेरा, कोषाध्यक्ष भरत कसेरा, उपाध्यक्ष लाल बाबू और मुन्ना कसेरा, मंत्री आकाश कसेरा, राजेंद्र प्रसाद, संगठन मंत्री बच्चे लाल, श्याम सुंदर सहित अन्य पदों पर पदाधिकारी चयनित हुए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र के पार्षद संजय केशरी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बधाई दिया। सबसे पहले जो है कमेटी को, उनकी जो भी उन्होंने जो है सहयोग या हमको चुने हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जैसे जो है हमको मौका दिया है, मैं उनके मतलब कि हमेशा जो है उनके आभारी रहूंगा और माता का सेवा करता रहूंगा, उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ जो है माता विंध्यवासिनी का जो काशीपुरा में मंदिर है,
उसका हर साल इंदार जो है हमारे संस्था के द्वारा जो भी सहयोग मतलब कि जो मतलब कि हमारे सदस्य पदाधिकारी जो भी रहे वो लोग जो है करते आ रहे हैं, काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि करीब करीब 30 से 35 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो है हर 3 वर्षों पे जो है भंडारा का जो आयोजन होता है, जो हम समझ रहे हैं कि इस क्षेत्र में देसी घी का पहला भंडारा होता है, ठीक है। इसमें हमारे कथेरा समाज का विशेष सहयोग रहता है। समझ लीजिए कि वो कथेरा समाज के द्वारा ही ये भंडारा आयोजन किया जाता है। जो समझ लीजिए कि हम समझ रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम नहीं इस समाज के लोग पूरा कहेंगे, जो भंडारा हमारे यहाँ मतलब कि जो है हमारे समाज के द्वारा योगदान के द्वारा मतलब के द्वारा होता है, ऐसा भंडारा जो है हमारे समाज से कहीं होता है। ये माता का कृपा है, उनका आशीर्वाद है और हम सभी का और उनके मतलब की यही प्रयास है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहे, हमको ऊर्जा प्रदान हो और हम ऐसे ही जो है कार्यक्रम जो है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ईट पेपर लीक मामले में लिप्त विधायक बेदीराम का एनएसयूआई के छात्रों ने फूंका पुतला। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण सहित किए विविध कार्यक्रम। माँ कामाख्या देवी मंदिर में पूजित लाल वस्त्र का प्रसाद स्वरूप भक्तों में हुआ वितरण। और पीएमओ कार्यालय में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने की जन सुनवाई। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।